शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहां दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना। जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, हाय मजा आ गया, क्या पानी पूरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो, वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया, परसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है, आहा। और खाइए और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है, वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है, हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया, हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानी पूरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानी पूरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानी पूरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, हाय मजा आ गया, क्या पानी पूरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो, वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई मजा आ गया, वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो, आहा। शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानी पूरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानी पूरी खाने के लिए तैयार थी। अरे अब चंपा कहाँ है, उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानी पूरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी।
दोनों पानी पूरी खाने चल देते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है, बहुत से लोग पानी पूरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो हैं, सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानी पूरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया, आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है, वाह मजा ही आ गया। वाह मोहन काका मजा आ गया, लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो आज तक ना खाई थी, थोड़ा जलजीरा और मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भर कर पानी पूरी खाते हैं। काका आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानी पूरी पैक करा कर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानी पूरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह, उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया। दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी आप कौन है और यहाँ कैसे, और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है, वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था, जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है तब से पेट कुछ खराब रहने लगा, और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पूरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानी पूरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है।
अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानी पूरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा आओ आओ आओ, तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया, खुद का रसायन खुद चक्कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले। मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन, रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन, तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानी पूरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपा नगर रख दिया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।